आज का जो वीडियो का टॉपिक है दिस इज फॉर द पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन फोटोग्राफी एंड बहुत कम नॉलेज है उनको फोटोग्राफी के बारे में एंड दे वॉन्ट टू लर्न समथिंग इन फोटोग्राफी. कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? एक्सपोजर ट्रायंगल, आई मीन अपर्चर, ISO, शटर स्पीड, उससे नहीं. यू डू नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट विद दैट. दैट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. द फर्स्ट थिंग दैट यू वॉन्ट टू स्टार्ट विद एंड इज द ईजिएस्ट टू अंडरस्टैंड इज द रूल ऑफ थर्ड्स. नाउ वॉट इज द रूल ऑफ थर्ड्स? रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है? बेसिकली आपका जो इमेज होता है, आपका जो एरिया होता है इमेज का, उसको आप डिवाइड करते हो 9 पार्ट्स में. कैसे? यू पुट 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड 2 वर्टिकल लाइन्स इन इक्वल डिस्टेंसेस, जिससे आपका इमेज जो होगा 9 पार्ट्स में डिवाइड होगा. अब ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स है, ये 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, अब ये क्यों यूज़ करते हैं? बहुत बहुत पहले जो पेंटर्स होते थे, उन लोग ने ये डिस्कवर किया कि अपनी जो आँखें हैं वो यूजुअली सेंटर से किसी एक तरफ में ज़्यादा ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और दे गो टूवर्ड्स द साइड ऑफ द फ्रेम वेरी ईजिली. सो जो अपना अटेंशन है वो साइड में चला जाता है, उसको कोप करने के लिए दे केम अप विद द रूल ऑफ थर्ड्स. तो आप यूजली देखोगे जो पुराने पेंटर्स हैं, उनके सब्जेक्ट जो होते हैं वो सेंटर में नहीं होते, वो साइड्स में होते हैं. वो जो साइड्स है ना, वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे आते हैं. ठीक है, कोई भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट इट इज़. ठीक है, अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लिविंग पर्सन हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो जब आप अपना जो सब्जेक्ट है उसको कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखते हो, तो वो फ़ोटो ज़्यादा अपीलिंग होता है, ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा सूदिंग होता है फॉर द व्यूअर. ठीक है, सो माई सजेशन इज़ कि आप कभी भी किसी चीज़ का फ़ोटो लो तो आपका जो सब्जेक्ट है उसको वो इंटरसेक्शन पॉइंट पर प्लेस करो. यूल हैव अ बेटर रिजल्ट. सो नाउ लेट्स से आपका जो सब्जेक्ट है वो ये प्लांट्स है. ठीक है, अब मैंने इनको सेंटर में रखा है. दिस इज़ जस्ट टू गिव एन आइडिया, अपना जो सब्जेक्ट है वो सेंटर में है. नाउ आई विल मूव द सब्जेक्ट टू वन ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स. ठीक है, या फिर ऑफ सेंटर लेके जाने का कोशिश करूँगा, लाइक दिस. सो नाउ अपना जो सब्जेक्ट है इट इज़ ऑन द इंटरसेक्शन पॉइंट. ठीक है, विच मेक्स इट लिटल बिट मोर अपीलिंग देन व्हेन इट वॉज इन सेंटर. दिस लुक्स वे बेटर. एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको. लेट्स टेक दिस फ्लावर फॉर एन एग्जाम्पल. इसको सेंटर में रखा है, एग्जैक्ट सेंटर में. अब आई एम टेकिंग इट अ लिटल बिट ऑफ सेंटर एंड मैं इसको इस तरह से प्लेस कर रहा हूँ दैट इट कम्स टू वन ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स. इंस्टेंटली लुक्स बेटर. एंड इससे फ़ायदा पता है क्या हुआ? दूसरे पॉइंट पे दूसरा फ्लावर आ गया. लेट्स टेक दिस होल फ्लावर पॉट फॉर एन एग्जाम्पल. इसको सेंटर में रखे, इसको साइड में रखे. लुक्स बेटर इजंट इट ऑन वन ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स और ऑन द लाइंस ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट. लुक्स बेटर इजंट इट. सो अब अपन ने देखा कि अपना जो सब्जेक्ट है उसको सेंटर से थोड़ा साइड में लेके गए तो कितना फ़र्क पड़ता है ना? सो अगर अपना जो सब्जेक्ट होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे होगा तो बाकी का जगह को क्या बोला जाएगा? बाकी का जगह इज़ द नेगेटिव स्पेस. ठीक है, और ये जो नेगेटिव स्पेस है ना, वो इसलिए होता है ताकि वो आपके सब्जेक्ट को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सके, है ना? बाकी का खाली जगह अगर आपके सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा तो आपका जो इमेज होगा वो ओवरऑल अच्छा दिखेगा. ये रूल आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो. बोनस टिप, ये सिर्फ फ़ोटो में नहीं, ये रूल आप वीडियोज़ में भी अप्लाई कर सकते हो. आपके वीडियोज़ जब आप शूट करते हो तब आप अपना सब्जेक्ट को किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट पर रख के अच्छे से शूट कर सकते हो. और नेगेटिव स्पेस में आप एलिमेंट है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई एलिमेंट डाल सकते हो जो आपके सब्जेक्ट को इन्हेंस करे. सो दैट इज़ वन वे यू कैन डू इट. सो आज का वीडियो का समरी क्या है? रूल ऑफ थर्ड्स, अपने सब्जेक्ट को इंटरसेक्शन पॉइंट पर सेट करो और बाकी का जो नेगेटिव स्पेस है उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि वो आपके सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे. यूज़ दिस रूल ताकि आपके फोटोज़ अच्छे निखर के आए. एंड आप इसके लिए यू डू नॉट नीड अ फैंसी कैमरा. ठीक है, कैमरा DSLR है तो ठीक है, फ़ोन वोन किसी भी चीज़ में, जो भी चीज़ फ़ोटो खींच सकता है ना उसमें आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो. ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. ठीक है, ओके देन, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट.